आज से लगभग 70 साल पहले तक भारत देश अंग्रेजों का गुलाम माना जाता था, लेकिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त सन 1947 एक ऐसी तारीख आई जिस दिन करोड़ों भारतवासियों की मेहनत रंग लाई और उन्हें इसी तारीख को एक नया स्वतंत्र देश प्राप्त हुआ। इस गौरवपूर्ण स्वतंत्रता को पाने के लिए भारत के लोगों ने कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसके बाद ही भारत अंग्रेजों से मुक्त हो पाया। लेकिन इस स्वतंत्रता से जुड़े कुछ फैक्ट्स तो आप जानते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए काफी कुछ खोया, लेकिन वे कहानियां आज भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसी ही एक कहानी भारत के एक ऐसे गांव की है जिसने भारत को आजाद कराने के लिए कई खूनी लड़ाइयां भी लड़ी, जिसके कुछ सहयोग के बदौलत देश तो आजाद हो गया, लेकिन वो गाँव आज भी खुद को गुलाम मानता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड्स में भी दिया गया है। भले ही भारत देश को आजाद हुए आज 70 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हरियाणा राज्य में मौजूद रोहनाथ नाम का एक गाँव आज भी खुद को स्वतंत्र नहीं मानता है। इस गाँव ने देश की स्वाधीनता के पहले संग्राम में सबसे ज्यादा लोगों को खोया था, इसलिए इस गाँव को भारत को आजाद कराने के क्रम में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यह गांव आज भी नीलामी के कलंक को झेलने पर मजबूर है। कहते हैं कि पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस मनाता है तब रोहनाथ गांव के लोगों का दुख साफ साफ उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। एक कहानी के अनुसार बताया जाता है कि 29 मई सन 1857 के दिन मुगल बादशाह बहादुर शाह का आदेश मिलने के बाद इस गांव के वीर लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत से बेहद खौफनाक खूनी लड़ाई लड़ी थी और अपनी हिम्मत के बल पर ही इस गांव के लोगों ने 12 अंग्रेजी अफसरों को हिसार शहर में मार गिराया था और उनकी जेलों में बंद अपने कई साथियों को जेल तोड़कर छुड़वा भी लिया था। इस घटना से बौखलाकर अंग्रेजी सेना ने पुट्ठी नामक गाँव के पास अपनी तोपें लगाकर इस गाँव के लोगों को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग जलकर मारे गए और फिर भी इस गांव के लोग लड़ते रहे। इतना सब करने के बाद भी अंग्रेज नहीं रुके और उन्होंने गांव की महिलाओं और बच्चों को कुओं में फेंकना शुरू कर दिया और बहुत मात्रा में लोगों को सरेआम गांव के तालाब के पास ही पेड़ों पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये कुएं और पेड़ आज भी उसी गांव में मौजूद है जो खुद अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों के जीते जागते सबूत है। उस समय अंग्रेजों ने इन गांव वालों पर कितना जुल्म किया होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस गांव के लोगों को सड़क पर लेटाकर अंग्रेजों ने उन पर जिंदा ही बुलडोजर चला दिए थे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस सड़क पर इतना खून बिखर गया था कि पूरी सड़क लाल रंग की हो गई थी, जिसके बाद से उस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाने लगा था। उस मंजर को याद करके आज भी इस गाँव के लोग दुखी हो जाते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि 14 सितंबर सन 1857 के दिन अंग्रेजों ने इस गांव को बागी घोषित कर दिया था और 13 नवंबर को पूरे गांव की नीलामी के आदेश दे दिए थे और 20 जुलाई 1858 तक आते आते गांव की पूरी 20,656 बीघा जमीन व सभी मकानों को सिर्फ 8,000 रुपए में ही नीलाम कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने एक फरमान जारी करते हुए आदेश दिए कि भविष्य में भी कभी इस जमीन को रोहनाथ गांव के लोगों को नहीं बेचा जाएगा। यही समय बीतता गया और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती चली गई और यहां के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुछ एकड़ जमीन खरीदकर दोबारा इस गांव को बसाया, लेकिन यहां के लोग आज भी स्वतंत्रता को पूरी तरह नहीं मान पाए हैं। उनका कहना है कि जिस देश की आजादी के लिए इस गाँव ने अपना सब कुछ खो दिया, उस गाँव के लोगों को वो जमीन आज तक भी नहीं मिल पाई है जिसके वे असली हकदार हैं और ना ही आज तक सरकार ने इस गांव के लिए कोई सहायता प्रदान की है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।